हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी ब्लॉग बाई दीपनंद। तो फाइनली हम आ चुके हैं आनंद भवन। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद भवन। चलिए हम आपको आज आपको आनंद भवन की खूबसूरती दिखाएं। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं आनंद भवन के अंदर, आज हम आपको दिखाते हैं आनंद भवन की खूबसूरती। ये देखिए, ये पीछे तरफ से आनंद भवन का पूरा व्यू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद भवन के कमरे में। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, ये जहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ इंदिरा गांधी जी का विवाह संपन्न हुआ था। चलिए अंदर चल के आपको अंदर की खूबसूरती दिखाते हैं। देखिए, उनका है डाइनिंग टेबल, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। खाना वाना खाते थे, देखिए कितना प्रीमियम तरीके से सजाया हुआ, पूरा शीशे में लव फिल पैक। ये देखिए गाइस, किचन मतलब बिल्कुल प्रीमियम तरीके से सजाया गया है। ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए गाइस, ये है पुराने ज़माने का गाना चलाने वाला, इसमें इस गाना चलाया जाता था। इधर देख लीजिए, ये देखिए भागवत गीता रखी हुई है, कुछ फूल रखे हुए हैं, अगरबत्ती रखी हुई है, और देखिए उधर वो है बेड। और ये देखिए, ये गल्ले टाइप में कुछ रखा हुआ है, देख सकते कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, कितना प्रीमियम तरीके से। देखिए फैन, देखिए कितने पुराने स्टाइल वाला है। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे साइड में, चलिए दूसरे साइड में आपको दूसरे साइड की खूबसूरती दिखाते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग ऊपर। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये वेल पैक्ड, ये कितना तरीके से सजाया गया है। ये देखिए गाइस, दूसरे तरफ का ड्राइंग रूम देखिए कितना प्रीमियम तरीके का है। ये देखिए गाइस, देखिए उनका लाइब्रेरी पूरा फुल लाइब्रेरी है। वो देखिए, वो वहाँ पे लिखा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, वो देखिए वो मिस्टर प्रेसिडेंट को लेटर लिखा जा रहा है। हम आ चुके हैं उनके बेडरूम में, देखिए कितना प्रीमियम तरीके से बेडरूम सजाया गया है, देखिए वेल डेवलप्ड तरीके से। ये देखिए गाइस, वेल डेवलप्ड तरीके से कितना सजाया गया है, बिल्कुल गंदगी नहीं है। ये देखिए उनका क्लॉथिंग स्टाइल रखा हुआ है, वो क्लॉथ कैसे पहनते थे, हर तरीके से रखा गया। वो देखिए रजिस्टर रखा गया है, देखिए कितने वेल डेवलप तरीके से सजाया हुआ है। तो फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, अभी इसके बाद आपको पहले ऊपर का पोर्शन पूरा दिखा देंगे। ऊपर का पोर्शन दिखाने के बाद आपको हम नीचे तारामंडल की सैर कराएंगे। ये देखिए गाइस, उनका पूरा लाइब्रेरी एक मिनी लाइब्रेरी की तरह है, देखिए कितना प्रीमियम तरीके से सजाया गया है। जो उनका फेवरेट रोज़ भी रखा हुआ। ये देखिए उनके योगा करते हुए फ़ोटो, देखिए है सब कुछ वेल डेवलप तरीके से रखी हुई है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे इंस्टीट्यूट में, जो कि आपको देखिए वो सामने दिख रही है, पूरे इंस्टीट्यूट बड़ी सी इंस्टीट्यूट है। तो फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, अभी इसके बाद आपको पहले ऊपर का पोर्शन पूरा दिखा देंगे। ऊपर का पोर्शन दिखाने के बाद आपको हम नीचे तारामंडल की सैर कराएँगे। ये देखिए गाइस, उनका पूरा लाइब्रेरी एक मिनी लाइब्रेरी की तरह है, देखिए कितना प्रीमियम तरीके से सजाया गया है। जो उनका फेवरेट रोज़ भी रखा हुआ। ये देखिए उनके योगा करते हुए फ़ोटो, देखिए है सब कुछ वेल डेवलप तरीके से रखी हुई है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे इंस्टीट्यूट में, जो कि आपको देखिए वो सामने दिख रही है, पूरे इंस्टीट्यूट बड़ी सी इंस्टीट्यूट है। तो ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं उनके पूरे रूम में, जो कि उनके डेली नीड्स का आइटम रखा रहता है। ये देखिए उनका कुछ लिखे हुए हाथ के पत्र जो कि रखे हुए हैं। ये देखिए कुछ जो भी रह के पैकेट जो भी इनके मतलब रहते थे सब रखे हुए हैं। ये देखिए कलश है, ये देखिए आगे जो भी इनका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डेली नीड्स में यूज़ करते थे। ये देखिए उनकी डायरी रखी हुई, जो भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए। ये देखिए, ये उनका कोट है, ये देखिए ये उनका कोट है, ये उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये भी इधर भी कोट है। ये देखिए, ये उनके कुछ डेली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये देखिए। और ये देखिए, ये कपड़ों के साथ कुछ जूते चप्पल भी उनके रखे हुए हैं, देखिए कितने पुराने स्टाइल के जूते, ये जूता देखिए। वो देखिए,
ये देखिए लाइन से आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। तो गाइज ये भी लास्ट फाइनल, आपको इसके बाद तारा मंडल दिखाना है और अब दिखाना है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ महात्मा गांधी ने कहा। ये देखिए पूरे में बाउंड्री लाइन बनी हुई है, कोई उधर नहीं जा सकता। देखिए उनकी लार्ज लाइब्रेरी, इनको बुक का शौक बहुत, बुक का शौक बहुत था भाई, आप खुद देख सकते हो। देखिए वो सामने है कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक। ये देखिए गाइस वहाँ पे लिखा महात्मा गांधी ओपन स्टेडियम, यहाँ महात्मा गांधी रहते थे। चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए महात्मा गांधी का रूम। अब इसके बाद ये लास्ट बचा है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का रूम ये लास्ट। ये देखिए जबकि इंदिरा गांधी का रूम है। ये देखिए ये यहाँ पे ये प्रेयर लिखी हुई है पूरी, देख लीजिए सिंपल प्रेयर। तो अब हम चल रहे हैं नीचे, अब टाइम हो गया है, अब टाइम हो गया है तारामंडल देखने का।